हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मोह अब कांग्रेस से भंग होता दिखाई दे रहा है। रोहतक में अपनी महापरिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए वो अपनी ही पार्टी की आलोचना करते हुए नजर आए। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बीजेपी सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि मैं इस फैसले का समर्थन करता हूं। कांग्रेस ने अपना रास्ता खो दिया है, यह वह कांग्रेस नहीं है जो पहले हुआ करती थी। सरकार कोई ठीक काम करती है, चाहे केंद्र की हो हरियाणा की, मैं उसको ठीक कहता हूं। अब 370 इन्होंने हटाई, बहुत सारे मेरे साथियों ने भी उसका विरोध किया और मेरी पार्टी भी कुछ भटक गई, क्यों पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। लेकिन लेकिन जहां तक सवाल है देशभक्ति का और स्वाभिमान का, मैं किसी से समझौता नहीं करूंगा और इसी वास्ते 370 का मैंने समर्थन किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ ही महीने बाद हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनी तो वो आंध्र प्रदेश की तर्ज पर कानून लाएंगे और 75% नौकरियां हरियाणा के लोगों को मिलेंगी। 370 के मुद्दे पर हुड्डा ने भले ही केंद्र की बीजेपी सरकार के फैसले का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि 370 की आड़ में वो राज्य की बीजेपी सरकार से 5 साल का हिसाब लेने से नहीं चुकेंगे। 370 का समर्थन किया, लेकिन मैं हरियाणा सरकार को कहना चाहता हूँ 370 की आड़ में 5 साल का हिसाब जरूर लेंगे, उसको हिसाब देना मत भूलो। आपने 5 साल में क्या किया, 5 साल में क्या किया, ये लोग आपका हिसाब लेंगे। अरे हरियाणा, मैंने क्यों किया 370 का समर्थन? आज कश्मीर में, श्रीनगर में कौन है, वहां कहां के सैनिक हैं, हमारे भाई हैं हरियाणा के, इस वास्ते मैंने उसका समर्थन किया। आज जरूरत थी, ठीक किया उन्होंने, लेकिन उसकी आड़ में वोट बटोरने का काम ना करे हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार का कोई योगदान नहीं है उसमें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर लाल खट्टर सरकार पर फसलों के कम दाम देने, खाद बीज पर बढ़ाए दाम, बेरोजगारी और राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर भी निशाना साधा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला ग्रुप का मीडिया स्कूल द आरोहन मीडिया स्कूल यानी टैम्स दे रहा है सुनहरा मौका। 1 साल के डिजिटल कोर्स में सीखें पत्रकारिता, कोर्स में सफल हुए छात्रों को मिलेगा प्लेसमेंट।